ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे शहर में जहां वास करती है माँ त्रिपुरा सुंदरी, जिनका आशीर्वाद वहां हर किसी पर बना रहता है। श्रद्धा और पौराणिक इतिहास के अलावा भी बहुत कुछ विशेषता के लिए ये शहर जाना जाता है। तो चलिए आज आपको घुमाते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में और विस्तार से बताते हैं इस शहर के बारे में। राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित ये शहर अपने आप में एक अलग छटा बिखेरे हुए है। इस शहर के साथ इसका वैभवशाली इतिहास जुड़ा हुआ है। इस शहर की स्थापना एक भील राजा वाहिया चरपोटा ने की थी। वाहिया को बांसिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण शहर का नाम बांसवाड़ा पड़ा। राजा बांसिया द्वारा बसाया ये शहर गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा के पास बसा हुआ है। बांसवाड़ा शहर को इस नाम के अलावा 100 द्वीपों का नगर इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां से होकर बहने वाली माही नदी में बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं। यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में समतल और उपजाऊ है। माही नदी के कारण यहाँ की जमीन उपजाऊ तो है ही, साथ ही माही नदी बांसवाड़ा की प्रमुख नदी है। यहाँ मक्का, गेहूं और चना प्रमुख फसलों के रूप में होते हैं। इस क्षेत्र का गठन 1530 में बांसवाड़ा रजवाड़े के रूप में किया गया था। 1948 में राजस्थान राज्य में विलय होने से पहले मूल डूंगरपुर राज्य का ये एक भाग था। रंग रंगीले राजस्थान की रंगीन शहरों की बातों में अभी बहुत कुछ बाकी है। ब्रेक से लौटकर फिर होगी एक रंगीन शहर की बात।